हेलो एवरीवन, अज के लैक्चर च असी फैक्ट फाइंडिंग टैक्नीक्स बारे डिस्कस करांगे। फैक्ट फाइंडिंग टैक्नीक्स का मतलब की है अते केड़िया केड़िया फैक्ट फाइंडिंग टैक्नीक्स होंदियां ने। फैक्ट फाइंडिंग टैक्नीक्स ने जो उन्होंने असी यूज करते हैं किसी भी सिस्टम बारे इनफॉर्मेशन नू कलैक्ट करन वास्ते। जदों भी असी कोई न्यू सिस्टम डेवलप करते हाँ तो सब तो पहला उसके बारे सानू फैक्ट्स ते इनफॉर्मेशन कलैक्ट करन दी जरूरत पैंदी है। जो भी सिस्टम असी डिज़ाइन कर रहे हाँ यूज़र नू ओ क्यों नीडेड है, यूज़र दियाँ नीड्स की ने, ये सारी इनफॉर्मेशन सानू सिस्टम नू डेवलप करन तो पहला कलैक्ट करनी पैंदी है। किसी भी प्रोजेक्ट या सिस्टम दी सक्सेस है जो वो डिपेंड करती है कि जो असी डेटा कलैक्ट किया है वो कितना एक्यूरेट है। जिन्ना एक्यूरेट से साडा डेटा होएगा उन्ने ही एक्यूरेटली असी सिस्टम डेवलप करांगे एंड उन्ने ही एक्यूरेटली वो सिस्टम है जो वो वर्क करेगा। इनफॉर्मेशन जो असी कलैक्ट करते हैं वो कुछ टेक्नीक्स या कुछ मैथड्स की हैल्प नाल करते हैं एंड उन्हां मैथड्स नू उन्हां टेक्नीक नू टेक्नीक्स नू असी फैक्ट फाइंडिंग टेक्नीक्स कहने हैं। जो एनालिस्ट है वो इन्हां जो असी टेक्नीक्स पढ़ांगे उन्हां टेक्नीक्स विचों कोई भी टेक्नीक यूज कर सकता है इनफॉर्मेशन नू कलैक्ट करन वास्ते। 7 फैक्ट फाइंडिंग टेक्नीक्स बारे असी पढ़ांगे। फर्स्ट है सैम्पलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म्स एंड डेटाबेस। सेकंड है रिसर्च एंड साइट विजिट्स। थर्ड इज ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्क एनवायरनमेंट। फोर्थ इज क्वेश्चनरीज। फिफ्थ इज इंटरव्यूज। सिक्स्थ प्रोटोटाइपिंग एंड लास्ट इज जॉइंट रिक्वायरमेंट प्लानिंग। सैम्पलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म्स एंड डेटाबेस ये टेक्नीक है फैक्ट्स नू कलैक्ट करन दी। इहदे विच की हुंदा आ जो फैक्ट्स ने जो असी फैक्ट्स या इनफॉर्मेशन कलैक्ट करते हाँ वो जो साडे कोल एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स ने उन्हां तो कलैक्ट करते हैं रैदर दैन एनी ह्यूमन सोर्स। साडे कोल एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकते हैं लाइक ईमेल्स, कस्टमर कंप्लेंट्स हो सकदियां आ, रिपोर्ट्स हो सकदियां आ, सैंपल्स ऑफ मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस हो सकता है, कुछ फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं, डायग्राम्स हो सकदियां ने, जां कोई ट्रेनिंग मैनुअल्स भी हो सकते हैं जिन्हां दी हेल्प नाल असी जो फैक्ट्स ने जो इनफॉर्मेशन है किसी भी सिस्टम बारे उसनू बनाने तो पहला कलैक्ट करते हैं। सिस्टम एनालिस्ट है जो उस कुछ सैम्पलिंग टेक्नीक्स यूज करता है डॉक्यूमेंट्स नू ऑर्गेनाइज करन लई। नेक्स्ट टेक्नीक है रिसर्च एंड साइट विजिट। रिसर्च एंड साइट विजिट की है इस फैक्ट फाइंडिंग टेक्नीक है। इहदे विच की करते हैं सब तो पहला जो प्रॉब्लम है उन्हों उहदे बारे असी थोरोली रिसर्च करते हैं कि प्रॉब्लम की है एंड ये बहुत रेयरली होंदा है कि जो इस टाइम कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम फेस कर रही है वो एक यूनिक प्रॉब्लम होवे। ज़्यादातर की होंदा है कि सिमिलर प्रॉब्लम जो इस टाइम साड़ी ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है वो सिमिलर प्रॉब्लम हो सकता है प्रीवियसली किसी होर द्वारा सॉल्व की गई होवे। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो होंदिया ने सिमिलर प्रॉब्लम्स होंदिया ने, बहुत रेयरली होंदा है
कि कोई यूनिक प्रॉब्लम आवे. सो ऑर्गेनाइजेशन है जो वो की कर दी है, कॉन्टैक्ट जहाँ साइट विजिट कर दी है वो ऑर्गेनाइजेशन नू, वो ऑर्गेनाइजेशन नू विजिट कर दी है जिन्होंने वो प्रॉब्लम नू पहला सॉल्व किया गया है जहाँ उमें दी सिमिलर प्रॉब्लम किसी होर ऑर्गेनाइजेशन ने सॉल्व की है तो उस ऑर्गेनाइजेशन दे नाल कॉन्टैक्ट करके जहाँ उत्थे विजिट करके उना तो सल्यूशन लिया जाता है कि प्रॉब्लम नू किवें सॉल्व किया है. अगर वो कंपनी विलिंगली तोड़े नाल अपनी सल्यूशन नू शेयर करती है तो इहदे नाल की हुंदा है कि साडा जो टाइम है एंड कॉस्ट है वो सेव हो जाती है, सानू प्रॉब्लम नू स्टार्टिंग तो सॉल्व करन दी जरूरत नहीं पैंदी. कंपनी विजिट्स दे नाल नाल जो एनालिस्ट है वो जर्नल्स रेफरेंस बुक जा इंटरनेट दी हेल्प भी लेंदा है प्रॉब्लम नू सॉल्व करन वास्ते. एडवेंटेजेस एंड डिसएडवेंटेजेस की ने रिसर्च एंड साइट विजिट दिया. एडवेंटेज की है कि इट कैन सेव द टाइम इफ द प्रॉब्लम इज ऑलरेडी सॉल्व. जे सिमिलर प्रॉब्लम किसी होर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सॉल्व की गई है तो उदे नाल साडा टाइम सेव हो जाता है. एंड डिसएडवेंटेज की है कि उस प्रॉब्लम का सल्यूशन लैन वास्ते सानू परमिशन लेनी पैंदी है, साडे कोल अथॉरिटी होनी चाहिदी है कि असी उस सल्यूशन नू असैस कर सकीए. सो सानू उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसने उस प्रॉब्लम का सल्यूशन लभ्या सी पहला सानू उस ऑर्गेनाइजेशन तो परमिशन लेनी पैंदी है सल्यूशन नू असैस करन वास्ते. थर्ड है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्क एनवायरमेंट. ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्क एनवायरमेंट की है एदे विच की है जो सिस्टम एनालिस्ट है वो एज अ ऑब्जर्वर काम करता है. जो सिस्टम एनालिस्ट है वो उस वर्क एनवायरमेंट जो काम कर रहे लोग ने एंड जो उत्थे एक्टिविटीज़ हो रही ने उन्होंने ऑब्जर्व करता है ताकि वो सिस्टम के बारे जान सके. सो असी कह सकते हैं कि जो सिस्टम एनालिस्ट है वो एज अ ऑब्जर्वर वर्क कर रहा है. ऑब्जर्वेशन दिया एडवेंटेजेस एंड डिसएडवेंटेजेस की ने एडवेंटेज की है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो एक्सपेंसिव नहीं है, वो घट एक्सपेंसिव है जे असी उन्हों का कंपैरिजन करते हाँ होर फैक्ट फाइंडिंग टेक्नीक्स के नाल. तो जो ऑब्जर्वेशन है वो घट एक्सपेंसिव है, बाकी टेक्नीक्स ऑब्जर्वेशन तो ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं. जो डेटा कलैक्ट किया जाता है थ्रू ऑब्जर्वेशन वो ज़्यादा रिलायबल होता है. एंड डिसएडवेंटेज की है कि जो जदों जो ऑब्जर्वर है जो एनालिस्ट है जदों वो एज अ ऑब्जर्वर काम कर रहा है वो ऑब्जर्व कर रहा है पीपल्स नू तो उत्थे पीपल की ने वो अनकंफर्टेबल फील करते ने अपना काम प्रॉपरली
नहीं कर पाते जब उन्होंने लगता है कि कोई उन्होंने ऑब्जर्व कर रहा है। जो नेक्स्ट टेक्निक्स ने वो असी साडे नेक्स्ट लेक्चर विच पढ़ांगे। एंड आई होप कि जो असी आज डिस्कस कीता है वो तुहानू समझ आ गया होएगा। जो असी आज टेक्निक्स कीतियां ने सैंपलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म्स एंड डेटाबेस रिसर्च एंड साइट विजिट ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्क एनवायरमेंट ये टेक्निक्स असी आज दे लेक्चर डिस्कस कीतियां ने। जो नेक्स्ट टेक्निक्स ने वो असी साडे नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करांगे। थैंक यू।